डॉक्टर शहनाज लगारी पाकिस्तान की पहली फीमेल पायलट हैं जो हिजाब पहनकर फ्लाइंग करती हैं। हिजाब और पर्दे से मुतालिक वो मुशर्रफ दौर का एक वाक्या सुनाते हुए कहती हैं। मुशर्रफ दौर में पाक फौज की एक्सपो 2001 मुनक्किद हुई थी। ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। इसकी तकरीब में वाहिद बाहिजाब मैं ही थी। कुछ खवातीन ऑफिसर्स बेगमाद ने इशारों किनायों में एहसास दिलाया कि ऐसी जगहों पर हिजाब की क्या ज़रूरत। मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर में जनरल मुशर्रफ खवातीन से सलाम करने लगे। खवातीन जाती, उनसे हाथ मिलाती, उनके साथ लग लग कर तस्वीर बनाती। मैं कुछ अंदर से घबराई हुई थी। इसी असना में जनरल मुशर्रफ मेरी जानिब मुड़े, मुझे हिजाब में देखा तो अपने दोनों हाथ कमर पर बांध लिए और जापानियों के तरीके की तरह तीन बार सर झुकाकर सलाम किया। खवातीन का मजमा मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर हैरत से देख रहा था। डॉक्टर शहनाज लगारी कहती हैं कि मैंने जिस घराने में आँख खोली वहाँ हिजाब लिबास का हिस्सा समझा जाता है, सो शुरू से ही हिजाब लिया। हाँ, शौरी तौर पर हिजाब की समझ आज से 15 साल पहले आई, जब खुद कुरान को अपनी आँखों से पढ़ना और समझना शुरू किया। हम जिस माहौल में परवान चढ़े वहाँ हया और हिजाब हमारी घुटियों में डाला गया था, सो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हिजाब बोझ नहीं लगा। हिजाब की वजह से कभी कोई परेशानी या रुकावट नहीं आई, बल्कि मेरा तजर्बा कुरान की इस आयत के मुतरादिफ रहा। तुम पहचान ली जाओ और सताई ना जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब ने मेरी ज़िंदगी में कभी कोई रुकावट खड़ी नहीं की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन नेक्स्ट।